रक्तदान का महत्व बताते हुए जेसीआई दुर्ग भिलाई ने अपने 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था। जेसीआई दुर्ग स्वर्ण उदय के बैनर तले दुर्ग जिला अस्पताल ब्लड बैंक में रविवार को संस्था के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेसीआई दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष जेसी सुरेंद्र मोनिका खेतान ने बताया कि संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया है। यहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। शिविर में लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। वहीं आईपीपी जेसी मोनिश अम्बालिका अग्रवाल ने रक्तदान करने के बाद बताया कि रक्तदान सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर के प्रोग्राम डायरेक्टर जेसी डॉक्टर बाकलीवाल डॉक्टर रेणुका बाकलीवाल ने बताया कि शिविर में रक्तदान का कार्य सिविल सर्जन डॉक्टर वाई के शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम, आरएमओ डॉक्टर अखिलेश यादव, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अरुण पवार, ब्लड बैंक नोडल डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, जीडीएस मेंबर दिलीप ठाकुर की देखरेख में किया गया। यहां सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम ने ब्लड डोनेट कर लोगों का उत्साह वर्धन किया, साथ ही न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। जेसीआई दुर्ग भिलाई संस्था से यहाँ बिलोंग करते हैं और हमने यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में आयोजित किया है, जिसमें हमारा जो टारगेट है लगभग 100 यूनिट हमने डोनेशन का टारगेट रखा हुआ है। ये हमारी संस्था का 50वां साल है और ये कैंप हम लगभग पिछले 50 सालों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे। और इस कैंप के द्वारा बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रही है। और आगामी अप्रैल मंथ में हम लोग एक हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन करने जा रहे हैं। ये हमारे संस्था का 50वां वर्ष है तो हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 100 ब्लड डोनेशन करवाएं आज, और अभी तक हमारे करीब 25 से 30 यूनिट हो चुके हैं और अभी दोपहर 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो डेफिनेटली हम ये माइलस्टोन टच करेंगे। 100 यूनिट का हमारा आज का टारगेट है। सीआई द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स की अरेंज किया गया है यहाँ पे, और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये वाला ब्लड बैंक चलाया जाता है। राज्य शासन के द्वारा हमेशा चाहा गया है कि यहाँ के लोगों को ब्लड फ्री में उपलब्ध हो। ब्लड बैंक से हम जितने भी हमारे वार्ड रहते हैं और बाहर में भी जितने नर्सिंग होम्स रहते हैं उन पे हम अपना यहाँ का ब्लड जो है वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए जनमानस जो है उनके लिए बीच बीच में ब्लड डोनेशन देने के लिए स्वयं ही संस्थाएं आतुर रहती है, और जेसीआई के द्वारा आज बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। ये नेक कार्य है और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दान आजकल वही होता है जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोग की शुभकामना है मेरी बहुत सारी इन लोग के साथ, और हमेशा इसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करवाते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।